हे गाइस, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हिंदी टेक एचडी। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वीवो V20 और Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max में कौन बेस्ट है, और साथ ही देखेंगे कि फोन के कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बॉडी, फीचर्स, कम्युनिकेशन चिप्स और प्राइजेस में कौन विनर है, और आखिर में बात करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा डिवाइस बेस्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को कैमरा से। शुरू करते हैं रेयर कैमरा से। V20 में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें है 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और नोट 9 प्रो मैक्स में मिलता है क्वाड कैमरा का सेटअप, जिसमें है 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो यहाँ विनर है नोट 9 प्रो मैक्स। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। V20 में है 44 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और नोट 9 प्रो मैक्स में है 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा। तो यहाँ विनर है V20। और बात करें कैमरा के फीचर्स की, तो V20 में है ड्यूल LED ड्यूल टोन फ्लैश, HDR और पेनोरामा, और नोट 9 प्रो मैक्स में है LED फ्लैश, HDR और पेनोरामा। तो यहाँ विनर है V20, क्योंकि इसमें है ड्यूल LED ड्यूल टोन फ्लैश। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो V20 रिकॉर्ड करता है 4K वीडियो 30fps पे, 1080p वीडियो 30 और 60fps पे जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, और नोट 9 प्रो मैक्स रिकॉर्ड करता है 4K वीडियो 30fps पे, 1080p वीडियो 30, 60 और 120fps पे, और अल्ट्रा स्लो मोशन 960fps पे जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। तो यहाँ क्लियर विनर है नोट 9 प्रो मैक्स। चलिए अब चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। V20 में है एंड्रॉइड 11 और नोट 9 प्रो मैक्स में है एंड्रॉइड 10। तो यहाँ विनर है V20, क्योंकि इसमें आपको मिलता है लेटेस्ट एंड्रॉइड। बात करते हैं यूजर इंटरफेस की। तो V20 में है फन टच 11 और नोट 9 प्रो मैक्स में है MIUI 12। तो मैं यहाँ करती हूँ टाई, क्योंकि ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा UI ज्यादा पसंद है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर, इसलिए यहाँ पे है टाई। और अब बात करते हैं GPU की। यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलता है एड्रीनो 618 GPU, इसलिए यहाँ पे भी है टाई। बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है ऑक्टाकोर क्रायो 465 गोल्ड, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz की, इसलिए यहाँ पे भी है टाई। बात करते हैं रैम की। तो V20 में है 8GB रैम और नोट 9 प्रो मैक्स में है 6 और 8GB रैम ऑप्शंस। तो रैम में ऑप्शंस की वजह से यहाँ विनर है नोट 9 प्रो मैक्स। अब बात करते हैं स्टोरेज की। इंटरनल स्टोरेज के लिए V20 में है 128 और 256GB की इंटरनल स्टोरेज और नोट 9 प्रो मैक्स में है 64 और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे विनर है V20। और एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए दोनों ही डिवाइसेस में है माइक्रो SDXE डेडिकेटेड स्लॉट, इसलिए यहाँ है टाई। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले की। शुरू करते हैं डिस्प्ले की साइज से। V20 की डिस्प्ले है 6.44 इंचेस की और नोट 9 प्रो मैक्स की डिस्प्ले है 6.67 इंचेस की। तो बिगर डिस्प्ले के कारण यहाँ विनर है नोट 9 प्रो मैक्स। बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशो की। V20 में ये रेशो है 83.7% का और नोट 9 प्रो मैक्स में ये रेशो है 84.6% का। तो ज्यादा रेशो की वजह से यहाँ विनर है नोट 9 प्रो मैक्स। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की। दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलती है फुल HD प्लस की डिस्प्ले, इसलिए यहाँ पे है टाई। अब बात करते हैं डिस्प्ले टाइप की। तो V20 में है AMOLED की डिस्प्ले और नोट 9 प्रो मैक्स में है IPS LCD डिस्प्ले। तो यहाँ विनर है V20, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले आपको देगी बेटर एक्सपीरियंस। चलिए अब बात करते हैं बॉडी की। शुरू करते हैं थिकनेस से। V20 की थिकनेस है 7.4mm और नोट 9 प्रो मैक्स की थिकनेस है 8.8mm। तो यहाँ विनर है V20। और बात करें वेट की, तो V20 का वेट है 171 grams और नोट 9 प्रो मैक्स का वेट है 209 grams। तो यहाँ पे भी विनर है V20। और प्रोटेक्शन के लिए V20 में है गोरिल्ला ग्लास 6 और नोट 9 प्रो मैक्स में है गोरिल्ला ग्लास 5। तो यहाँ पे विनर है V20, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 6 आपके फोन को देगा बेटर प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। V20 में है प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम
और नोट 9 प्रो मैक्स में है ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम। तो यहाँ पे विनर है नोट 9 प्रो मैक्स। और सिम के लिए दोनों ही डिवाइसेस में है ड्यूल नैनो सिम स्लॉट। और अब बात करते हैं फोन के फीचर्स की। शुरू करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से। V20 में आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और नोट 9 प्रो मैक्स में आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से यहाँ विनर है V20। अब बात करते हैं सेंसर्स की। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कंपास, इसलिए यहाँ है टाई। और अब बात करते हैं बैटरी की। V20 में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी और नोट 9 प्रो मैक्स में आपको मिलती है 5020 mAh की बैटरी। तो ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी के कारण यह विनर है नोट 9 प्रो मैक्स। और चार्जिंग के लिए दोनों ही डिवाइसेस में है 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, इसलिए यहाँ है टाई। अब बात करते हैं लाउड स्पीकर की। दोनों ही डिवाइसेस आते हैं नॉर्मल स्पीकर्स के साथ, इसलिए यहाँ है टाई। और बात करें हेडफोन जैक की, तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलती है 3.5 mm की हेडफोन जैक, इसलिए यहाँ पे भी है टाई। और चलिए अब चलते हैं कम्युनिकेशंस की तरफ। शुरू करते हैं वायरलेस लैन से। यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है ड्यूअल बैंड वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट एंड हॉटस्पॉट, इसलिए यहाँ पे है टाई। बात करते हैं ब्लूटूथ की। V20 में आपको मिलता है 5.1 जनरेशन का ब्लूटूथ और नोट 9 प्रो मैक्स में आपको मिलता है 5th जनरेशन का ब्लूटूथ। तो न्यू जनरेशन के ब्लूटूथ के साथ यहाँ विनर है V20। अब बात करते हैं GPS चिप्स की। यहाँ V20 में है AGPS, ग्लोनेस, गैलीलियो और BDS और नोट 9 प्रो मैक्स में है AGPS, ग्लोनेस, गैलीलियो, BDS और नेविक। तो नेविक चिप की वजह से यहाँ विनर है नोट 9 प्रो मैक्स। और अब बात करते हैं USB की। V20 में है 2nd जनरेशन का टाइप सी रिवर्सिबल कनेक्टर विद OTG सपोर्ट और नोट 9 प्रो मैक्स आता है सिर्फ 2nd जनरेशन के टाइप सी रिवर्सिबल कनेक्टर के साथ। तो यहाँ विनर है V20 क्योंकि इसमें है USB OTG का सपोर्ट। और अब आखिर में बात करते हैं दोनों फ़ोन के प्राइजेस के बारे में। इंटरनेशनल मार्केट में V20 का प्राइस शुरू होता है $350 से और नोट 9 प्रो मैक्स का प्राइस शुरू होता है $250 से। और इंडियन मार्केट में V20 का प्राइस स्टार्ट होता है 25,000 रुपीज से और नोट 9 प्रो मैक्स का प्राइस स्टार्ट होता है 16,000 रुपीज से। तो अब सबसे आखिर में बारी है इस वीडियो के कंक्लूजन की। तो यहाँ कैमरा में है टाई, परफॉर्मेंस में विनर है V20, डिस्प्ले में विनर है नोट 9 प्रो मैक्स, बॉडी सेगमेंट में विनर है V20, यहाँ फीचर्स में है टाई, कम्युनिकेशंस में विनर है V20 और प्राइस में विनर है नोट 9 प्रो मैक्स। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस अच्छा लगा और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे तो हमारे हिंदी टेक HD पेज को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी ID है स्क्रीन पे। मैं हूँ अंजलि, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।